नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं वन इंडिया। चौदहवीं का चांद कहते गुरुदत्त साहब हो या फिर दुनिया की असलियत दिखाते गुरुदत्त, हर तरह से गुरुदत्त की संजीदगी दिखी। एक अलग तरह के अभिनय के लिए जाने जाने वाले गुरुदत्त साहब किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुदत्त की वो अनसुनी कहानियाँ जो शायद ही आपको पता हो। हर पीढ़ी के लिए गुरुदत्त जैसे एक्टर के बारे में जानना जरूरी है। 9 जुलाई 1925 को अभिनेता, लेखक और डायरेक्टर गुरुदत्त का जन्म हुआ। यकीनन गुरुदत्त का नाम जब भी आता है तो जहन में ये चार फिल्में जरूर ताजा हो जाती हैं। प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम और चौदहवीं का चांद। ये चारों फिल्में गुरुदत्त की वो फिल्में हैं जिसमें गुरुदत्त ने जबरदस्त एक्टिंग की, साथ ही अपना एक अलग अंदाज दर्शकों के सामने रखा। भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की जब भी चर्चा होगी बार बार गुरुदत्त का नाम लिया जाएगा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जिंदगी का फलसफा सिखाते गुरुदत्त का जवाब नहीं। गुरुदत्त का जिक्र आते ही सिनेमा के दीवानों को प्यासा की याद आ जाती है। प्यासा एक फिल्म ही नहीं बल्कि इसके सारे गीत भी बेहतरीन हैं। 2010 में अमेरिका की एक पत्रिका ने सर्वकालिक 100 महान फिल्मों का चयन किया जिसमें भारत की एकमात्र फिल्म जो रखी गई वो थी प्यासा। इतना ही नहीं, साल 2010 में एशियाई अभिनेताओं की एक सूची बनाई गई थी, उस सूची में भी गुरुदत्त एशिया के 25 मुख्य अभिनेताओं में से एक माने गए। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उनके पिता एक स्कूल में हेडमास्टर थे और उनकी माँ एक साधारण गृहिणी थी। गुरुदत्त ने अपने बचपन के दिन कोलकाता में गुजारे। गुरुदत्त अभिनेता होने के साथ साथ निर्देशक और फिल्म निर्माता तो थे ही, इसके अलावा बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो एक बहुत अच्छे डांसर भी थे, यानी कि नर्तक थे। महज 21 साल की उम्र में साल 1946 में बनी हम एक हैं की कोरियोग्राफी की थी। उस जमाने की एक से बढ़कर एक नृत्य कुशल अभिनेत्रियों को अपने इशारों से डांस करना सिखा रहे थे। 1942 में 10वीं पास करने के बाद पारिवारिक कारणों से गुरुदत्त ने पढ़ाई छोड़ दी। पहले सहायक निर्देशक के रूप में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाद में छोटे मोटे रोल उन्हें मिलने लगे। इसके बाद गुरुदत्त का परिचय देवानंद से हुआ और दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। देवानंद ने ही उन्हें बाजी में पहला बड़ा ब्रेक दिया और इसके बाद गुरुदत्त ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 26 साल की उम्र में गुरुदत्त ने बाजी का निर्देशन किया। बाजी सुपर डुपर हिट हो गई। बाजी की अपार सफलता के बाद गुरुदत्त ने देवानंद को लेकर एक और फिल्म का निर्देशन किया, जाल। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। गुरुदत्त ने बतौर अभिनेता जो फिल्में की उसमें चौदहवीं का चांद, प्यासा, 12 o'clock, कागज के फूल, सौतेला भाई, साहेब बीबी और गुलाम, भरोसा बहुरानी, सुहागन और सांच और सवेरा थी। 1956 में CID, 1957 में प्यासा, 1959 में कागज के फूल, 1960 में चौदहवीं का चांद, 1962 में साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्में बनाई। माना तो यहाँ तक भी जाता है कि गुरुदत्त ने अगर इतनी सारी फिल्में ना भी की होती तो उनकी सिर्फ दो फिल्में ही उन्हें भारतीय सिनेमा में अजर और अमर का खिताब दे सकती थी। उनमें से एक थी प्यासा और दूसरा कागज के फूल। और अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ। बाजी की शूटिंग के दौरान ही गुरुदत्त और गीता राय एक दूसरे के करीब आए थे। दरअसल दोनों कम बोलने वाले, गंभीर लेकिन आंखों आंखों में बहुत कुछ कह जाने वाले व्यक्तित्व थे। एक दिन जब रिहर्सल और रिकॉर्डिंग से फुर्सत मिली तो गुरुदत्त ने गीता को शादी के लिए प्रस्ताव भेजा। गीता भी गुरुदत्त को चाहने लगी थी। बाद में गीता ने गुरुदत्त से शादी कर ली। हालांकि ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। उसके बाद खबर आई कि गुरुदत्त और वैदा की नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गईं, पर माना गया कि वैदा ने साफ मना कर दिया गुरुदत्त को। इसके बाद गुरुदत्त को शराब की लत लग गई। शराब की लत से लंबे समय तक जूझने के बाद 10 अक्टूबर 1964 को उनकी मौत की खबर आई। उनकी मौत को लेकर तब भी कई तरह की बातें कही गई और इस तरह प्रतिभाशाली जीवन का अंत हो गया समय से पहले ही। तो ये थी गुरुदत्त की वो कहानी जिसमें उनके खाते में सफलता तो थी पर जिंदगी के दर्द भी, क्योंकि इतनी कम उम्र में निधन होना एक बड़ा सदमा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।